जय जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रदीप। अभी भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ पे आपने सड़क हादसे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अभी भी नेशनल हाईवे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, 5 ट्रकों की आपस में टक्कर हुई है, जिसमें कितना जान माल का नुकसान हुआ है वो भी हम ड्राइवर भाइयों से बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, ये अभी की बड़ी खबर है, जहाँ पे मैं नेशनल हाईवे के ऊपर मौजूद हूँ और आपको मैं ये 5 के 5 ट्रक कैसे इनकी टक्कर हुई है वो भी इनसे बात करेंगे, और 5 के 5 ट्रक की मैं ये हालत आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जैसे कि फ़िलहाल अभी देखा जा रहा है कि 5 ट्रक के, आप देख सकते हैं, ये पहला ट्रक है, ये देखिए क्या हालत हुई है ट्रक की। मैं आपको थोड़ा बराबर में से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये पहला ट्रक मैंने आपको दिखाया जहाँ पे 5 ट्रक की आपस में भिंडत हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक की मौके पे ही मौत हो चुकी है, और जो बाइक सवार था उसकी जो ट्रक से कुचला गया है। कैसे ये हादसा हुआ है, कहाँ से वो था, कहाँ का रहने वाला था, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको पहले ये 5 के 5 ट्रक दिखा देता हूँ, जहाँ पे नेशनल हाईवे के ऊपर एक ऐसा हादसा हुआ है जो दिल को दहला देता है। ऐसा हादसा ना पहले कभी आपने देखा होगा ना ही सुना होगा, लेकिन आपको अभी बेस्ट रैन न्यूज़ के माध्यम से ये खबर नेशनल हाईवे से दिखाई जा रही है, जो चंडीगढ़ से हिसार का जो हाईवे है वहाँ से आपको ये लाइव तस्वीरें आपके साथ में शेयर की जा रही हैं, जो आप देख सकते हैं। ये सेकंड ट्रक है, जिसमें आप देख सकते हैं ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है कि इस ट्रक में कोई जाल मार का नुकसान हुआ होगा, लेकिन इसके बाद की मैं आपको ट्रक की जो तस्वीरें शेयर करूंगा उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी क्या हालत हुई है। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको खबर शेयर करने का कार्य जरूर करें, ताकि सभी तक ये खबर पहुंच सके। और जो कोहरा अभी होने लगा है, या फिर हम बोल सकते हैं जो खेतों में पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से भी शायद ये हादसा हुआ हो, या फिर कि क्या इसकी वजह रही है, ये भी हमसे बात करेंगे। लेकिन आपको मैंने अभी फ़िलहाल दूसरा ट्रक दिखाया है, जिसमें से 5 ट्रकों की खबर सामने आई थी एक्सीडेंट होने की। ये सेकंड ट्रक था, जिसमें आपने देखा कि कुछ ज़्यादा इसमें जान माल का नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जो ड्राइवर भाई हैं उनसे बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे भी कि कितना इनमें जान माल का नुकसान हुआ है। फिलहाल आपको ये मेरे द्वारा तीसरा ट्रक दिखाया जा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जीरी से भरा हुआ ये ट्रक है। देखिए यहाँ पे जो उनके ड्राइवर भाई हैं उनसे बात करेंगे। जीरे से भरा हुआ ट्रक है, और आप मैं ट्रक की हालत आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, आपके साथ तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, तस्वीर शेयर जरूर करें। ये देखिए, ये तीसरा ट्रक है, कैसे ये हादसा हुआ था और क्या जान माल का नुकसान हुआ है वो मैं उनसे बात करें। लेकिन आपको फ़िलहाल मैं उससे पहले आपको तीसरा ट्रक की ये हालत आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइवर सीट है। ड्राइवर सीट आप देख सकते हैं कैसे टूटी हुई है, कैसे तोड़फोड़ की हुई है, और जो ट्रक है पूरा के पूरा चकनाचूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपके साथ में ये लाइव तस्वीरें नेशनल हाईवे चंडीगढ़ टू हिसार से आपके साथ में शेयर की जा रही हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रक की हालत, और जो इसके अंदर बैठे थे उसका आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं क्या हालत उनकी हुई होगी। ये आपके साथ में तीसरे ट्रक की तस्वीरें शेयर की गई हैं नेशनल हाईवे कैथल से हिसार, ठीक है। आपके साथ में अभी मैं चौथा ट्रक है उसकी भी तस्वीरें शेयर करूंगा, और क्या कैसे ये हादसा हुआ वो भी इनसे हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक बार ये दिखा दूं, ये देख सकते हैं आप, ट्रक जीरी से भरा हुआ था और जो ये हादसा हुआ है ये नेशनल हाईवे के ऊपर हुआ है। क्या चौक के ऊपर मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो चौक है, और मैंने अभी आपको एक बार मैं फिर आपसे ट्रक का नंबर आपने देख चुके हैं HR 67B 92 55। इससे पहले का जो ट्रक है उसका आपको एक बार मैं पहले दिखा नहीं पाया, लेकिन उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहला ट्रक है जिसका नंबर है RJ23G5174 राजस्थान का नंबर है, जो पहला ट्रक मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में ये दूसरा ट्रक आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ मैं वीडियो इसकी, और इसका नंबर आप देख सकते हैं RJ07GD0070। तीसरा ट्रक है हरियाणा का नंबर है HR67B92 55। ये तस्वीरें आपके साथ में जो शेयर की जा रही हैं आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं क्या हालत इस ट्रक ड्राइवर की हुई होगी, या फिर जो कौन कौन इस ट्रक में सवार था। आपको देखिए पूरी की पूरी बॉडी ट्रक की एक साइड में ठुक चुकी है, और देखिए पूरी की पूरी टूट चुकी है, तहस नहस यहाँ पे बुरी तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और जो देखिए कितना खतरनाक ये भयंकर हादसा हुआ है, जो पीछे का
जो बोरियां लदी हुई थी ऊपर जीरे की, वो भी आगे के आगे गिर चुकी हैं सारी की सारी। और आप देख सकते हैं जो पीछे भी जो बोरियां हैं लदी हुई थी वो सारी की सारी नीचे गिर चुकी हैं। ये आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कार्य ज़रूर करें, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप यहीं पर थे, आप यहीं पर थे, आप ही पकड़ रहे हो? आप सर गाड़ी तो कोई मत, गाड़ी मार का नहीं रास्ता। अच्छा कोई बात नहीं, एक और भैया भी वो भी आ रहे हैं तो उनका आपसे पूछ नहीं पर रहना। दो मिनट बता यार, आए तो इधर अभी है। हाँ बता दो। तस्वीर को ज़्यादा से शेयर करने का कार्य जरूर करें। अभी आपके साथ में चौथे ट्रक की तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरे को भैया मिले थे, उनका कहना है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था हम साथ में ही थे। और क्या जान माल का क्या कोई नुकसान हुआ है या फिर सभी सेफ हैं, तो वो बात भी हम उनसे करेंगे। फिलहाल आपको ये लाइव तस्वीरें बाता गांव से दिखाई जा रही है। आप पहले आपको मैं थर्ड फोर्थ ट्रक का जो नंबर बता देता हूँ, RJ32GB8826। और चौथे ट्रक की हालत आप देख सकते हैं। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि कोई जान माल का नुकसान हुआ होगा, लेकिन जैसे ही आप ट्रक की हालत जो देख रहे हैं यहाँ से प्रतीत होता है कि जो शीशा है, फ्रंट मिरर है ट्रक का, वो टूटा हुआ है। और यहाँ से जो देखिए एक्सीडेंट हुआ था वो तस्वीर आपके साथ में शेयर की जा रही है बाता से। और तस्वीर को ज़्यादा शेयर करने का आप ज़रूर करें ताकि सभी तक ये लाइव न्यूज पहुंच सके। आपके वो मैं अभी एक पांचवा ट्रक है जिसकी खस्ता हालत बनी हुई है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको बाता गांव से दिखाई जा रही हैं। लेकिन जो पाँचवें ट्रक की हालत है, आप इसके ड्राइवर हैं। एक सेकंड रुक जाओ, इसका ड्राइवर कौन है? उसके दोनों पैर टूट गए भाई। जो एक रेड वाली गाड़ी है वो हमारी है, आपकी है, उसमें कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? मरा कोई नहीं है, पैर दोनों टूट गए उसके। पैर टूट गए और कंडक्टर को भी चोट है। कंडक्टर को भी चोट है, एक बाइक सवार को चोट बताई जा रही थी। वो इनके पीछे पीछे चल रहा था, वो उनकी मौत हो चुकी है बताया जा रहा है। ना, मौत नहीं हुई, उसका पैर खत्म हो गया है। पैर खत्म हो गया? अच्छा, एक्सीडेंट हुआ कैसे था ये? ये रोडवेज वाले की गलती से। रोडवेज क्या कैसे हुआ था? आ रहे थे जा रहे थे, क्या हो रहा? रोडवेज वाला स्पीड में था। अच्छा, अब उसने यहाँ चौक पे पता नहीं उसने कोई सवारी देखी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने एकदम से ब्रेक ले दिए। ब्रेक लेने के बाद जो उसके पीछे गाड़ी थी वो, हाँ वो उसमें जाके ठुक गई, उसके पीछे एक और लग गई, उसके पीछे हमारी वाली लग गई। यानी कि उसने तो पता था उसको रोकनी है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पता था एकदम से रोक देगा ये। अबे नहीं, गाड़ी अगर बस को रोकना है तो अपनी साइड में रोके ना, फुटपाथ के साथ में थोड़ी ना रोकेगा। अब जिसको रुकना है वो सड़क पे रोक दी थी उसको, फुटपाथ के साथ में जहाँ पे गाड़ी कंटिन्यू चलती है ना, वहाँ पे गाड़ी अगर स्टॉपेज करना भी था उसको लेफ्ट साइड में आना होता है। और उसने रोक दिया वहाँ पे, अब धुंध गिर रही है तो आदमी डिवाइडर के साथ में चलता है। कितने बजे घटना है सुबह? 7:10 पे। क्या PCR वगैरह आई थी? हाँ आई थी। और उनका तो फिर वही बात है, सरकारी आदमी हूँ ना, क्या भी घटना भाई। अच्छा, वो चले गए फिर बस? चले गए वो, कोई कब्जे में नहीं लेगा बस को? कब्जे में क्या लेना था, वो बोला कि हमारी क्या गलती है, उसने वो पुलिस वालों के साथ कोई बातचीत हुई होगी उनका आपस में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपसे फिर मैं एक बार यहीं पर मैं आ रहा हूँ, एक बार वो ड्राइवर तो आपसे बात करता हूँ एक बार अच्छे से, ठीक है? आपसे अभी मैंने इनसे बात कराई, ट्रक वाले जो भैया हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक बार पाँचवा ट्रक है जो उसकी हालत एक बार मैं आपके वो दिखा देता हूँ क्या ट्रक की हालत हुई है। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरों को ज़्यादा शेयर करने का जरूर करें ताकि सभी तक ये लाइव खबरें पहुँच सके। और देखिए ये जो मैंने आपको बताया था जो अभी ट्रक वाले भैया का बोलना है, पहले आप देखिए ये जीरी का जो बोरियां हैं कैसे गिरी हुई हैं, शायद ऐसा प्रतीत होता है। ये देखिए ये वो ट्रक है जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों पैर उस ड्राइवर के टूट चुके हैं। और देखिए ये आप ट्रक की हालत ये देख सकते हैं, ये कैसे जो पार्ट्स हैं ट्रक के टुकड़े हैं पड़े हुए हैं। लाइव तस्वीरें आपके साथ में बातें से शेयर की जा रही हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करने का कार्य जरूर करें ताकि सभी तक ये खबर पहुँच सके। आपको फिलहाल मैं आपको जो पाँचवें ट्रक की हालत है वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं जो पाँचवें ट्रक की क्या हालत हुई है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये पाँचवें ट्रक की हालत है जिसमें आप देख सकते हैं कि बुरी तरह से जो मैंने आपको थर्ड नंबर का ट्रक दिखाया था उसकी तरह ये भी बुरी तरह से यहाँ पे चकनाचूर हुआ दिखाई दे रहा है। और जो देखिए
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नया ही ये ट्रक था और जो जल्दी ही इनकी ज़िंदगी समाप्त हो गई। और इस ट्रक की क्या हालत हुई है, कितना इसमें जाल मानक घुसन है, वो हम इनसे बात करेंगे। लेकिन अभी जैसे ड्राइवर भाई ने बताया था कि रोडवेज की पूरी गलती बताई जा रही है। कैसी लगी आपको ये खबर, अपनी राय जरूर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना। फिर मिलूँगा आपके साथ में एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।